बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और आज के लेक्चर में हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो उसकी जो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि आप हीट एनर्जी को कम्प्लीटली वर्क के अंदर नहीं चेंज कर सकते। तो ये दो स्टेटमेंट के ऊपर बेस कर रहे हैं। जो पहली स्टेटमेंट है वो केल्विन की है, केल्विन स्टेटमेंट है, और दूसरी जो स्टेटमेंट है वो क्लॉशियस स्टेटमेंट है। इनको कंपैरिजन में देख लेते हैं तो शायद चीज़ें क्लियर हो जाएं ज़्यादा हमारे लिए। तो केल्विन स्टेटमेंट ये कहता है कि जो है हीट इंजन के ऊपर बेस कर रहा है, जबकि आपकी क्लॉशियस स्टेटमेंट जो है वो रेफ्रिजरेटर के ऊपर बेस कर रहा है। हम लोगों ने हीट इंजन को और कुछ इस तरह से ब्लॉक डायग्राम बनाई थी इसकी। यहाँ से आपका आउटपुट ले रहे होते हैं हीट इंजन का, ये आपका सोर्स है या हॉट रिजर्वायर है, या आपका सिंक है या कोल्ड रिजर्वायर कह सकते हैं इसको। यहाँ से हीट जो है Q1 सप्लाई की जाती है, उस हीट का कुछ हिस्सा जो है आपका आउटपुट में यूज़ हो रहा होता है और कुछ हिस्सा जो है रिजेक्ट हो जाता है Q2 इन द सिंक। लेकिन केल्विन स्टेटमेंट क्या कह रही है, सिंपल यही बात बता रही है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू ड्राइव अ कंटिन्यूस सप्लाई फ्रॉम द हॉट सोर्स एंड विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट टू कम्प्लीटली कन्वर्ट इनटू वर्क। क्या कोई हीट जब हॉट सोर्स से ले रहे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसे सारे का सारा वर्क के अंदर कन्वर्ट कर लें। ज़रूर बज़रूर कुछ ना कुछ हिस्सा जो है उसका जो है हीट का कुछ पार्ट जो है वो रिजेक्ट होगा, कुछ हिस्सा ज़ाया होगा, वो सिंक के अंदर चला जाएगा, इन्वायरमेंट के अंदर चला जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड हीट इंजन और दिस इज़ कॉल्ड केल्विन स्टेटमेंट। लेकिन रेफ्रिजरेटर या क्लॉशियस स्टेटमेंट क्या कहती है, वो कुछ इस तरह से कह रही है कि आपके पास हॉट सोर्स है, उसके ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। ये हीट Q2 कहते हैं कोल्ड सोर्स में, ये आपका सोर्स है, ये आपके सिंक है, लोअर टेम्परेचर इसका T2 है, इसका T1 है। अब इसके अंदर रेफ्रिजरेटर के केस में क्या होता है, आप हमेशा हीट को कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ मूव करवा रहे होते हैं। तो हीट का जो नेचुरल फ्लो होता है वो हॉट टू कोल्ड बॉडी होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है। बट कोल्ड टू हॉट बॉडी ले जाने के लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करवा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल का वर्क या आप एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं और क्लॉशियस स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ड्राइव अ कंटिन्यूस सप्लाई फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी, कि आप कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ हीट को ट्रेवल नहीं करवा सकते विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, के काम किए बगैर आप क्या कर सक नहीं कर सकते, कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी हीट को ट्रेवल नहीं कर सकते। तो इन दोनों की स्टेटमेंट्स यहाँ लिख देते हैं हम लोग कि केल्विन स्टेटमेंट जो है बेस्ड ऑन हीट इंजन, इट इज इम्पॉसिबल टू ड्राइव अ कंटिन्यूस सप्लाई कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हीट लोअर देन टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग।
कि आप इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम करते जाएं और उस सिस्टम में से हीट कंटिन्यूसली ड्राइव करते जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आप कुछ ना कुछ हिस्सा आपका रिजेक्ट होगा और कुछ हिस्सा आपका वर्क में इस्तेमाल होगा। क्लासियस स्टेटमेंट जो है आप लूँगी, वो रेफ्रिजरेटर, बेस्ड ऑन रेफ्रिजरेटर, इट इज इम्पॉसिबल टू ड्राइव अ हीट फ्रॉम कोल्डर रीजन टू हॉटर रीजन। ये आपका इम्पॉसिबल होगा विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। काम आप काम को एक्सपेंड किए बगैर आप हीट को कोल्ड रीजन से हॉट रीजन की तरफ ट्रेवल नहीं करवा सकते। अब दोनों इक्विवेलेंस देख लेते हैं दोनों स्टेटमेंट्स की क्या है। इक्विवेलेंस में हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि आपके पास ये एक साइड पे हीट इंजन है, ये उसका हॉट सोर्स है और ये कम्प्लीटली जो है आप हीट यहाँ Q1 ले रहे हैं और उसे कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इट्स मीन केल्विन स्टेटमेंट क्या हो रही है, रॉन्ग हो रही है। हम अज्यूम कर लेते हैं केल्विन स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है और कोई हीट यहां से रिजेक्ट नहीं हो रही, यहां से नो हीट रिजेक्शन। बट केल्विन तो कहते हैं कि आपकी जो है जब हॉट सोर्स से आप हीट ले रहे होते हैं उसका कुछ ना कुछ हिस्सा ज़ाया हो रहा होता है। लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारी ये एक ऐसा इंजन है हमारे पास जिसमें कोई हीट रिजेक्ट नहीं हो रही और सारे के सारा जो हॉट सोर्स से हीट है वो वर्क के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो आप इसके साथ एक और ब्लॉक डायग्राम रेफ्रिजरेटर की बना दें। एक रेफ्रिजरेटर है और इसके अंदर ये हॉटर बॉडी और ये कोल्डर बॉडी है। लेट्स सपोज ये यहाँ से हीट जो है Q2 है ये Q1 की तरफ मूव कर रहा है। आप इस वर्क को इस पार्ट के साथ जोड़ दें तो ये ऑटोमेटिकली Q2 को क्या करेगा, Q1 में कन्वर्ट करना, ट्रेवल करवाना शुरू कर देगा। कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ हीट को ट्रेवल करवाना शुरू कर देगा, कंप्रेसर के तौर पर काम करना शुरू कर देगा। तो आप इस इंजन के केस में देख सकते हैं कि विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी इसको दिए बगैर आप क्या करवा रहे हैं, हीट को लोअर रीजन से कोल्डर रीजन से हॉट रीजन की तरफ मूव करवा रहे हैं। तो ये भी क्या है, क्लासियस स्टेटमेंट के अगेंस्ट है। अगर आप इसको रॉन्ग अज्यूम कर रहे हैं तो ये भी क्या हो रही है, रॉन्ग अज्यूम हो रही है इस एंड वाइस वर्सा, यानी कि इसको अगर करेक्ट प्रूफ करेंगे तो वो भी क्या होगी, करेक्ट। तो इट्स मीन के दोनों ये क्या है, इक्विवेलेंट हैं, एक ही चीज़ हैं दोनों। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो कार्नोट इंजन है। कार्नोट इंजन जो है एक आइडियल इंजन है जो क्या कर रहा होता है, हीट लेके कम्प्लीटली उसको वर्क में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। कार्नोट इंजन बेसिकली दो तीन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। नंबर वन जो है आपका सबसे पहले जो चीज़ है वो एक इंसुलेट सिलेंडर चाहिए, सिलेंडर जिसकी जो वॉल्स हैं
इंसुलेटिंग और बेस जो है कंडक्टिंग हो आपके। और नंबर टू जो है आपके पास वर्किंग सब्सटेंस, कौन सी गैस जो इसके अंदर आप यूज कर रहे हैं वो आपके पास होनी चाहिए। और थर्ड वन जो है हॉट सोर्स होना चाहिए आपके पास, कोल्ड सोर्स होना चाहिए आपके पास, इंसुलेटर हो आपके पास। ये चंद एक चीज़ें हैं। आप कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन कार्नोट साइकिल के ऊपर बेस कर रही होती है। कार्नोट साइकिल क्या होती है, एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा प्रोसेस जो होता है कि आफ्टर सम वर्क वो इनिशियल पोजीशन को दोबारा रीगेन कर रही होती है, दैट इज नोन एज कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल जो है आपके चार फंडामेंटल जो है वो आज फोर प्रोसेस है जिनके ऊपर बेस कर रही होती है। पहला जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है आपका। सेकेंड वन जो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। सेकेंड वन जो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और थर्ड वन जो है आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन होगी इसकी, आपके सिस्टम की। और फोर्थ वन जो होती है एडियाबैटिक कंप्रेशन होगी। ये चार प्रोसेस हैं जिनके ऊपर आपकी कार्नोट साइकिल बेस कर रही होती है। आइसोथर्मल एक्सप्रेशन में आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट के ऊपर आप अपने सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आप प्रेशर को क्या कर देते हैं लो कर देते हैं, जिससे सिस्टम क्या कर रहा होता है अपनी पोजिशन को चेंज कर रहा होता है। प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर यहाँ चेंजेस आ रही होती हैं लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर आपका टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम तीनों चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, लेकिन इसको आप एक इंसुलेटर के ऊपर रख देते हैं ताकि बेस में से ना तो कोई हीट इंटर हो और ना ही लीफ हो, उसके बावजूद आपने अपने सिस्टम को एक्सपेंड करवाना होता है जिससे प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों फैक्टर्स जो हैं चेंज हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है आइसोथर्मल कंप्रेशन है। आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर आप टेम्परेचर को अगेन कांस्टेंट रख रहे होते हैं लेकिन अपने सिस्टम को कंप्रेस कर रहे होते हैं, दोबारा प्रेशर को इंक्रीज कर रहे होते हैं। अगेन यहाँ पे एडियाबैटिक कंप्रेशन के अंदर, और यहाँ कंप्रेस करने से टेम्परेचर बढ़ने का अंदेशा होता है, तो इसलिए इसे कोल्ड रिजर्वायर के ऊपर रखा जाता है, कोल्ड सोर्स के ऊपर इसको रख देंगे। द नेक्स्ट जो है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन है। एडियाबैटिक कंप्रेशन के अंदर आप अगेन इंसुलेटर के ऊपर रख देंगे और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो ये इनिशियल पोजीशन पे दोबारा सिस्टम रीगेन कर लेगा। इसको मज़ीद डिटेल से इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी।